हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप कर रहे थे आईसीटी इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कल आप करैक्टरिस्टिक्स कितिया आईसीटी दियाँ, अज मैं थोड़ा टॉपिक कवर करवाऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, सूचना संचार तकनीक का महत्व की है, इंपॉर्टेंस की है। सब तो पहला पॉइंट है सीखने प्रक्रिया की रोचकता में वाधा, मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। कहते विद द हेल्प ऑफ आईसीटी जी सीखन सिखाने की प्रक्रिया है, जी लर्निंग की प्रक्रिया है, उन्होंने आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। किवें इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स वक् तरह यूज करके, या फिर इंटरनेट के उत्ते बहुत सारिया चीज़ा, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जिन्हें हैल्प नाल आप टीचिंग जोड़ा है इंटरेस्टिंग जोड़ा है वो बना सकते हैं। सैकेंड है मनोरंजन की दुनिया में नवे मौके, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन एंटरटेनमेंट फील्ड। ईवन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी कहते एंटरटेनमिंग परपज लिए बड़े मौके मिल जाते हैं। किस तरह के मौके मिल जाते हैं? ये की है नवे नवे किस्म ऐप्स डिवेलप की जा सकती हैं, गेम्स डिवेलप की जा सकती है। ईवन वी कैन डाउनलोड डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़, ठीक है, उन्होंने देख के आप कुछ इंटरटेनमेंट दिया अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जड़ियाँ है मिल जाएँ विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। थर्ड आएगा ऑनलाइन खरीद बेच, ऑनलाइन सेल्स एंड परचेजेस। ईवन जे आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, ई कमर्स के उत्ते ऑनलाइन कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी ये भी पॉसिबिलिटी है जी बन जाती है। ऑनलाइन कुछ भी सेल्स करनी है, कुछ भी परचेज करनी है, कुछ भी खरीदना बेचना, जिमें आप आम देखते हैं बहुत सारिया साइट्स अवेलेबल है, लाइक एमाजॉन अपने को हैगी है साइट, होर भी कई तरह दाइट्स जगह मार्केट के अवेलेबल है जिन्हें थ्रू आप ऑनलाइन खरीद बेच कर सकते, कोई भी समान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। होम डिलीवरीज हो जाए समान दी तो भी आईसीटी भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जी है अदा करती है। नैक्सट फोर्थ पॉइंट इज सहज सेवावान का संचार, कम्यूनीकेशन ऑफ मैडिकल सर्विसिज, ऑनलाइन डिस्कशन ऑन डिजीज, डिफरेंट मैडिकल केसिज एक्सैक्ट्रा। उस अलावा कहें अलग अलग कंट्री के बैठे जो माहिर डॉक्टर है, दे कैन ईवन शेयर देयर व्यूज ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, जिहड़ियां अलग अलग तरह दी बीमारियां आंदियां उन्होंने लैके वो आपदिया जिहड़ियां है विचार वटांदरा कर सकते। जिवें हुण लेटेस्ट कोविड की वैक्सीनेशन के रिलेटिड अलग अलग कंट्री संपर्क में आई है ना, उन्होंने कि वैक्सीन डिवेलप की है, तो एक विचार वटांदरा जिहड़ा हुंदा रहिंदा हैगा कंट्रीज दे विच, जिहड़े मेन जिहड़े अपने डॉक्टर्स है उन्होंने भी किस तरह की बीमारी का किस तरह सोल्यूशन लभ्या जा सकता है। तो वो जिहड़ी पॉसिबिलिटी एक हुई है रिसर्च जिहड़ी हुंदी है वो जी है कम्यूनीकेशन टेक्नोलॉजी के उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल जोड़ा आपका अदा किया। फिफ्थ पॉइंट सुरक्षा सेवावान आईसीटी सिक्योरिटी सर्विस आई सी, उस अलावा कहें आईसीटी के कोई सिक्योरिटी कोई सर्विसिज प्रोवाइड करनी वो बहुत ज़्यादा कम्यूनीकेशन टेक्नोलॉजी वो भी आपका रोल अदा करती है। कुछ अलग अलग तरह कोई ऐप सिक्योरिटीज लाइक पासवर्ड वगैरह लग जाते हैं, उस अलावा कुछ जो कोई आर्मीज वगैरह कोई अलग अलग जगह पर कोई सेंटर्स बने हुए हैं अपनी देश की सुरक्षा के खेत्र का जो मौका देखिए उत्थे भी जेडे कम्यूनीकेशन टूल्स है बहुत वधिया आपका हिस्सा जोड़ा वो निभा रहे हैं। सिक्स पॉइंट इज ऑनलाइन सिक्ख्या, ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहती है। मैं थोड़ा कल भी एग्जाम्पल दी थी लाइक हूँ जिम्मे आप ऑनलाइन क्लासेज लगते हैं जूम वगैरह पर या कोई वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं ग्रुप के या यूट्यूब के उत्ते, तो यह सारी ऑनलाइन एजुकेशन भी कि करके पॉसिबिलिटी हुई है आईसीटी करके, इनफॉर्मेशन कम्यूनीकेशन टूल्स जी टेक्नोलॉजी जी इन्हों यूज़ करके ही जी ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी नपेड़े चढ़न के काफ़ी ज़्यादा हिस्सा निभा रही है। नैक्सट पॉइंट इज डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत, उस अलावा इंडिया नू डिजिटल बनाने दे विच भी आईसीटी का काफ़ी वड्डा रोल है। आप देखते हैं हुण कितें भी कोई पेमेंट करनी है आप ऑनलाइन पेमेंट करनी है, एजुकेशन ऑनलाइन हो चुकी है, कोई फॉर्म्स वगैरह भरने वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। उस अलावा कहिंदे कोई भी आपां नू कोई डिजिटल इंडिया का मतलब कि कुछ भी जो आप कार्रवाई करते हैं ऑनलाइन इंडिया, कोई बैंक पैसे ट्रांजैक्शन करानी है, कोई ट्रांसफर करानी है एक जगह पर बैठे दूसरी, तो ऑलरेडी जिन्ना भी काम है वो सारा मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स जोड़ा परफॉर्म होंगे, तो वो एक डिजिटल इंडिया बनाने का एक पार्ट बन गया है। एट्थ पॉइंट इज प्रबंधन के खेत्र में योगदान, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट फील्ड। ईवन आईसीटी इज ऑलसो यूजफुल इन मैनेजमेंट फील्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, मतलब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जी परफॉर्म करनी कोई मैनेज करना किसी चीज़ को किसी टूल्स में विद द हेल्प ऑफ आईसीटी आप बहुत ईजली वे कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्यूनीकेशन फैसिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, एक दूजे आप कम्यूनीकेट करके अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करके कुछ बनाना है कुछ रिप्रजेंट करना है वो बहुत ज़्यादा प्रबंधन के खेत्र में जोड़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा है ये रोल जोड़ा अदा करती है। नाइन्थ इज समय अते पैसे की बचत, टाइम एंड कोस्ट इफेक्टिवनेस। ईवन ये अपना टाइम भी सेव हुंदा अपना पैसे भी बचते हैं, देखो टाइम सेव हुंदा
एक ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਲਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ICT ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ICT ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ICT। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।